दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेहतर समझो। मैं आपका होस्ट इमरान अहमद। जैसा कि दोस्तों मैं आज आया हूँ ये नेपाल का धानखोला है जो कि पहाड़ के सतह पर ये बसा हुआ है गांव, और ज़्यादा दुकानें नहीं है लेकिन है जो कुछ है यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत है। मैं उसी के बारे में आज एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा, यहाँ की कुछ दुकानें दिखाऊँगा। यहाँ पर पहाड़ों से पानी आ रहा है, वहाँ पर मुझे पानी पीना वो भी दिखाऊँगा मुझे। और यहाँ कितना बड़ा है ये धानखोला, ये पूरा डिटेल आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये धानखोला का खूबसूरत दृश्य है आप देख सकते हैं, और ये लगभग 500 मीटर लंबे में बसा है, इसी मेन रोड पर बसा हुआ है। लोग इसी रास्ते से नेपाल के अन्य सिटी में जाते हैं जो कि एक मेन रोड है। और यहाँ पर मैं यहाँ का लाइफ स्टाइल बताने वाला हूँ आप लोगों को। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ के लोगों का रहन सहन किस प्रकार ये दिखा रहा हूँ। फिलहाल एक भाई ये मुर्गा लेकर जा रहे हैं अपने मोटरसाइकिल से, और यहाँ पर ये बकरियों का पालन भी किया गया है। ये पहाड़ के ऊपर है बकरियाँ और उसी के ऊपर जस्ट ये घर बना हुआ है। यहाँ पर एक बच्ची आपको दिखाई दे रही होगी, कुछ घर का अपने काम कर रही है, और बगल में जस्ट एक ढाबली है जो कि यहाँ पर आपको खाने पीने की सामानें मिल सकती है। और यहाँ पर देसी मुर्गा भी बिक्री किया जा रहा है। और यहाँ पर लाइफ टाइप होटल लगभग 5 से 6 हैं, और कई प्रकार के होटल हैं। यहाँ पर छोटी सी मंदिर भी बनाई गई है जो कि ये पहाड़ के सतह पर ये स्थित धानखोला काफ़ी खूबसूरत है। और खूबसूरत का मुख्य कारण यह है दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी मैंने घर देखे हैं सब लगभग पहाड़ से सटा हुआ सब बनाया गया है। और ये बगल बगल में जो आपको दिख रहा है ये बाउंड्री टाइप किया गया है कि पहाड़ की जो मिट्टी हो कट के नीचे ना गिरे, उसी के ऊपर ही रहे, तो काफ़ी सेफ्टी दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टार होटल एंड लॉज के नाम से ये होटल है। यहाँ पर आपको चिकन आदि मिल सकता है खाने के लिए, और यहाँ पर मकई भी सुखाया जा रहा है ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर एक भाई बैठे हुए हैं जो आप लोगों को हाय कह रहे हैं। अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा हमारे कैमरे में। फिलहाल ये देख सकते हैं आप लोगों को हाय कह रहे हैं, काफ़ी खुश हैं। और एक ये नेपाल का छोटा सा बच्चा आ रहा है और ये मुझे देख कर भागने लगा। तो यही है कि काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ डिश भी है एक छत पे लगा हुआ है देख सकते हैं, और यहाँ ये नीचे के साइड में भी घरें बनाई गई हैं, पपीते का पेड़ लगा हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत जगह यह है। यहाँ का लाइफ स्टाइल देख सकते हैं कि ये लेडीज जा रही है पानी भरने के लिए, पहाड़ से पानी आ रहा है भी। मैं आप लोगों को पानी भी दिखाऊँगा, मुझे भी पानी पीना है, मुझे प्यास लगा है। ये धानखोला मार्केट है दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ है यही सब है, ये दुकानें हैं। फिलहाल चल रहा हूँ, मुझे कुछ बिस्किट आदि लेना है। कोई बिस्किट मिल जाएगा? बिस्किट हाँ। ये नेपाल में धानखोला में छोटा सा दुकान है जो कि काफ़ी अच्छा दुकान है। यहाँ पर मैं बिस्किट लेने आया हूँ। कितने का है? हाँ, आईसी या नेपाली, यानी 6 रुपये का। तो दोस्तों जैसा देख सकते हैं ये पानी रोकने के लिए ये लकड़ी का क्या कहते हैं ढक्कन लगा हुआ है, पानी पानी का ना जाए। कुछ पानी है एकदम पहाड़ों का पानी है, पहाड़ों से आ रहा है। एक सीवेज के पानी के जैसा एकदम सेम। धानखोला में लगा हुआ है, आप आकर यहाँ पे पानी पी सकते हैं। मुर्गी के बच्चों का भी पालन यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर चाची सो रही हैं। तो दोस्तों अगर आप इस नेपाल में घूमना चाहते हैं जगह जगह, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको घूमने के लिए वीज़ा नहीं लगता है।
आपको भंसार करवाना पड़ेगा। अगर आप फोर व्हीलर गाड़ी या टू व्हीलर गाड़ी से आते हैं तो भंसार करवा के आप आसानी से घूम सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।